बीते कई दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर चल रहे मुकदमे पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीते 26 फरवरी को अपने खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि उस वीडियो को रीट्वीट करना जो कथित रूप से अपमानसूचक था और जिसे 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा प्रसारित किया गया था, एक गलती थी। बीते 5 फरवरी को उनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से समन जारी किया गया था, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए अरविंद केजरीवाल ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सुनवाई के दौरान इस विषय में अरविंद केजरीवाल की गलती को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि यह स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है कि यह एक गलती थी, अगर वे जानते थे कि ये परिणाम होंगे। वे उस पर तेजी से मुकदमा चला रहे हैं, वे इस मामले को बढ़ा रहे हैं, हम ट्रायल कोर्ट के समक्ष स्थगन का अनुरोध करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने ट्रायल कोर्ट को फिलहाल उनके खिलाफ मानहानि का मामला आगे ना बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि केजरीवाल जिस पद पर हैं, उसे देखते हुए उन्हें फिलहाल अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच की तरफ से कहा गया कि सोमवार 11 मार्च को पुनः सूचीबद्ध करें, इस बीच मामला ट्रायल कोर्ट द्वारा नहीं लिया जाएगा। हालांकि बेंच ने इस मामले में शिकायतकर्ता से निर्देश लेने को कहा है कि क्या केजरीवाल की गलती स्वीकार करने के आधार पर मामले को बंद किया जा सकता है। गौरतलब है कि 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी की एक पोस्ट को रीट्वीट करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की गई थी। साथ ही आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी नामक ट्विटर पेज के संस्थापक और संचालक पर बीजेपी IT सेल पार्ट 2 जैसा व्यवहार करने के आरोप भी लगाए गए थे।